मैं और मेरा दोस्त ब्रेन, हम दोनों भी अर्बन एक्सप्लोरर थे। हमें ऐसी जगह पे जाना पसंद था जो सस्पिशियस हो। हमें वहाँ पे जाके छानबीन करना अच्छा लगता था कि एग्जैक्टली क्या है। ये कहानी 10 साल पुरानी है, जब मैं और ब्रेन, हम दोनों भी 24 साल के थे तब की। हमारे घर से कुछ आधे घंटे की दूरी पर एक मेंटल असाइलम था। हम दोनों को भी उस हॉस्पिटल के बारे में पता था। हमें पता था कि वो हॉस्पिटल एबेंडन है। वो हॉस्पिटल तोड़ा नहीं गया था क्योंकि वो एक अलग से लोकेशन में था, एकदम टाउन से दूर। एंड दिस माइट हैव कॉस्ट देम टू मच मनी। ब्रेन और मैंने डिसाइड किया हमें किसी रात उस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करना चाहिए। हमने डिसाइड किया हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बैठ के ड्रिंक करेंगे और पूरी रात वहाँ पे ही बिताएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि एग्जैक्टली उस हॉस्पिटल के अंदर क्या है। तो मैंने और ब्रेन ने डिसाइड किया हम आज ही उस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करते हैं। ब्रेन के जैकेट में हमने बियर के 2 बोतल डाले और हम उस हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। जब हम उस हॉस्पिटल के पास पहुंचे, हम दोनों को भी ऐसे लगा कि क्या हमें उसके अंदर जाना चाहिए। इवन वी बोथ हैड अ सेकेंड थॉट। इस हॉस्पिटल के बारे में ये रूमर थी कि यहाँ पे गैंग्स अंडरग्राउंड होते हैं, और रूमर ये भी थी कि यहाँ पे दूसरे अर्बन एक्सप्लोरर्स ने भूत भी देखे हैं, और कोई कोई अर्बन एक्सप्लोरर्स इस हॉस्पिटल में जाके वापस कभी नहीं लौटे हैं। ऑफ कोर्स ये रूमर्स है या सच्ची बात है हमें तो पता नहीं था। सरप्राइजिंगली उस हॉस्पिटल के बाहर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, सो प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन वॉज ईजी। हॉस्पिटल का मेन गेट तो बंद था, लेकिन हॉस्पिटल के मेन गेट के बाजू में एक ब्रोकन ग्लास विंडो थी। मुझे लगता है शायद वो और अर्बन एक्सप्लोरर ने वो एक विंडो अंदर जाने के लिए तोड़ी होगी। ब्रेन और मुझे, हम दोनों को भी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे जगहों को एक्सप्लोर करने का, लेकिन मुझे एडमिट करना होगा कि वो बड़ी बिल्डिंग देख के हम दोनों को भी थोड़ा सा मन में डर लगा था। हमने हॉस्पिटल के अंदर एंट्री की, हम सीधे जाके हॉस्पिटल के हाईएस्ट फ्लोर पे पहुंचे। जब हम उस हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, उस हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे बहुत सारे होल्स थे। हमें ऐसे लग रहा था कि शायद वो सीढ़ियाँ गिर जाए हमारे वजन से। वो हॉस्पिटल बिल्डिंग बाहर से तो क्रीपी थी ही, लेकिन अंदर और भी ज्यादा क्रीपी थी। हर एक रूम के अंदर डार्कनेस थी। जब जब मैं उन डार्क रूम्स में अपनी टॉर्च मारता था, तब तब मेरे मन में एक हॉन्टिंग थॉट आती थी कि उस रूम्स के अंदर कोई तो है, या फिर वहां पे कोई तो आके गया है, या फिर कोई तो मुझे उस रूम के अंदर से छुपके से देख रहा है। फाइनली हमें ऐसा स्पॉट मिला जहाँ पे हम बैठ सके और ड्रिंक कर सके। या वी वेंट ऑल आउट। हमने कैंडल जलाई, ब्रेन के पॉकेट से बियर बॉटल्स निकाली और हम वहां पे ड्रिंक करते हुए बैठ गए। हम वहाँ पे बैठ के जोक करने के मूड में थोड़ा भी नहीं थे। हम दोनों के भी चेहरे पे एक अजीब सी टेंशन दिख रही थी। वहाँ पे बैठ के हमें कुछ 10 मिनट ही हुए थे और तभी हमें क्रीकी नॉइस आने लगी हमारे पड़ोस के रूम से। वो आवाज़ जो आ रही थी वो 2-3 सेकेंड के लिए लास्ट नहीं हुई, वो स्टेडी कंसिस्टेंटली आ रही थी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्रीकी थी। ब्रेन और मुझे, हम दोनों को भी लगा हमें अपनी चीजें पैकअप कर लेनी चाहिए। ब्रेन ने मुझे विस्पर किया कि वो रूम में एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये जाके देखने के लिए। मैंने विस्पर किया, यू मस्ट बी क्रेजी, व्हाट इफ वहाँ पे अंडरग्राउंड गैंग मेंबर्स हो। ब्रेन विस्पर्ड, फॉरगेट इट, आई विल डू इट। वो अपनी जगह से उठा और टॉर्च लेके उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा जहाँ से आवाज आ रही थी। मैंने विस्पर किया नो, लेकिन उसने इधर मुझे इग्नोर किया या फिर सुना ही नहीं, और वो आगे बढ़ने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे और वो दरवाजा खोला भी नहीं था, तभी एक डिस्टिंक्ट क्वाइट शार्प डिस्टर्बिंग लाफ उस रूम के अंदर से आने लगी। इट साउंडेड लाइक एन ओल्डर वुमेन्स गैगल। फिर भी पता नहीं क्यों ब्रेन ने उस रूम का दरवाजा खोला और हम दोनों भी उस रूम के अंदर चले गए। जब भी ब्रेन ने फ्लैशलाइट ऑन की, तभी हमें एक बूढ़ी औरत हमारे अपोजिट डायरेक्शन में देखती हुई खड़ी दिखी। वो बहुत ही अजीब थी, अभी वो गैगल नहीं कर रही थी, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके हाथ में एक चाकू था। उस अजीब फिगर को देख के हम दोनों भी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तभी ब्रेन ने कहा रन, और हम दोनों भी भागते हुए उस हॉस्पिटल से बाहर निकले और सीधे गाड़ी में बैठे। मैंने गाड़ी ड्राइव करना चालू किया। हमने स्वेयर किया हम वापस उस हॉस्पिटल में कभी नहीं जाएंगे, और हम कभी भी उस हॉस्पिटल में वापस नहीं गए। थिंग दैट सक्स इज दैट हम हमेशा ऐसी जगहों पे कैमरा लेके जाते थे, लेकिन इस बार हम कैमरा लेके नहीं गए थे, तो हम कोई भी चीज रिकॉर्ड कर नहीं पाए। एंड आई मस्ट से दिस वॉज द मोस्ट डिस्टर्बिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो चलो तो यारो, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 15,000 लाइक्स के लिए।
कर दो यार लाइक्स, आपके लाइक्स आते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और भी सारी वीडियोस बनाने का। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है इस चैनल पे और आने भी वाली है। और अगर आप चाहते हो कि मेरे वीडियोस और भी ज्यादा स्प्रेड हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। और इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे iamrocker09 पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इस बार का वर्ड है वैकेशन। वैकेशन ये वर्ड लेके आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर दो और कमेंट कर दो। अगर आपके कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स आए तो मैं मेरी अगली वीडियो में आपको शाउट आउट दे दूंगा। पिछली वीडियो में सबसे ज्यादा लाइक्स आए थे तरुण जायसवाल और अनीता बांगर को। तो चलो तो यारो आज के लिए और एक बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो भागने के बाद ब्लैकआउट होके गिर जाते हैं और दूसरे जो ब्लैकआउट नहीं होते। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।